हरे कृष्णा। आज हम बनाने वाले हैं स्टीम्ड कच्चे केले की सब्जी। इसके लिए हमने लिया है कच्चा केला, रॉ बनाना। मैंने इसको छीला है और फिर इसको गोल गोल काट लिया है ऐसे। ग्रेटेड कोकोनट, काली मिर्च, इमली का पानी, इमली मैंने सोख करके रखी है, हरी मिर्ची और रोस्टेड क्यूमिन सीड और रॉक सॉल्ट और मसाला अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। मैंने एक स्टीमर पैन में रॉ बनाना को स्टीम करने के लिए रख दिया है। मैंने नीचे पानी डाला है और ऊपर ये टायर में मैंने केले को रख दिया है। तो अभी हम इसको स्टीम होने देंगे थोड़ी देर के लिए। इसकी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में पानी डाला, फिर मैंने इसमें रोस्टेड क्यूमिन सीड्स डाला और चॉप ग्रीन चिली डाला, ग्रेटेड कोकोनट डाला और ब्लैक पेपर डाला। अभी मैं इसको थोड़ा सा कुक करूँगी। अब मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला है और इमली का पानी था वो डाल दिया है और इसको मैं थोड़ा सा कुक करूँगी। मेरे पास नट्स मिल का फाइबर अवेलेबल है तो मैं इसको डाल रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं। नट्स मिल्क कैसे बनता है, उसका फाइबर कैसे होता है, वो आप हमारे दूसरे वीडियो में देख लीजिएगा। उसमें मैंने नट्स मिल्क का वीडियो अपलोड किया है। आप बीच बीच में इसमें पानी डालते रहिएगा जैसे कि ये ड्राई होके चिपके नहीं, क्योंकि ये कुकिंग होने में थोड़ा सा थिक होता रहता है, तो इसको पानी डाल डाल के कुक करना चाहिए जैसे ये पूरी अच्छी तरह कुक हो जाए और हमारा जो बनाना है वो स्टीम हो रहा है। हमारा जो ये रॉ बनाना है वो स्टीम हो गया है, कच्चा केला जो है वो स्टीम हो गया है। और मैंने इसमें रॉक सॉल्ट, ब्लैक पेपर, क्यूमिन सीड, रोस्टेड क्यूमिन सीड्स और थोड़ा सा इसमें भूरा डाला है, जैसे ये थोड़ा सा खटमिट्ठा टेस्ट आएगा। तो इसको मैं 5 मिनट ऐसे ही रहने देती हूँ। हमारी ग्रेवी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। मैंने ये कच्चे केले अभी इस ग्रेवी में डाल दिए हैं और ये देखिए ये 1 मिनट में ये ब्लेंड हो जाएगा। इसमें मसाला मैंने केले का मसाले में ही डाला था। अभी इसको 1 मिनट में इसमें रखूँगी जैसे ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए और फिर हम इसमें इसको सर्विंग बाउल में निकालेंगे। मैंने इसको सर्विंग बाउल में निकाल लिया है और मैंने इसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ किया है और ग्रीन चिलीज़ को मैंने एकदम बारीक बारीक काट के इसमें डाल दिया है ऊपर से थोड़ा सा फ्लेवरिंग के लिए, और थोड़ा सा रोस्टेड क्यूमिन सीड्स और ब्लैक पेपर डाला है। मैंने अब इसको कोरिएंडर लीव से गार्निश कर दिया है। ये हमारा यमी टेस्टी कच्चे केले का स्टीम हुई सब्जी रेडी है।